है दोस्त, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। दोस्तों देखिए, SSC JDNEU वैकेंसी के बारे में, जी हाँ दोस्तों, SSC JDNEU वैकेंसी के बारे में जो 2021 का नोटिफिकेशन आने वाला है, जी हाँ दोस्तों, तो वो कितने दिनों से 80,000, 90,000, 70,000 पोस्ट कहा जा रहा था, लेकिन ये आएगा 40,000 पोस्ट पर, प्लस में एज लिमिट क्या है हम इस वीडियो में बताएंगे, और सीधा प्रसारण अब न्यूज़ चैनल के आधार पर। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए, अब इस भर्ती पर आज तक तो कैंडिडेट का ही नज़र आता था कि कब आएगा, लेकिन अब न्यूज़ पेपर वाले भी, न्यूज़ चैनल वाले भी इसके लेकर के एक्टिव हो गए हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में दिखाएंगे कि न्यूज़ चैनल वाले क्या दिखा रहे हैं, न्यूज़ पेपर वाले क्या दिखा रहे हैं ये पोस्ट को लेकर के, एज लिमिट को लेकर के, 2021 का नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, हम एकदम लाइव दिखाएंगे। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना दोस्तों, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पर जा करके और ओपन करके टेलीग्राम चैनल से हमें से जुड़ सकते हैं, और किसी भी तरह का नोटिफिकेशन वहाँ पर भी पा सकते हैं। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्या है वो न्यूज़पेपर में। दोस्तों देखिए, हम फाइनली आपको दिखा रहे हैं कि ये अमर उजाला, जी हाँ दोस्तों, अमर उजाला पेपर का तो नाम आप सुने होंगे। तो इसमें देखिए आया है कितने तारीख को, हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पहले, सबसे पहले लिखा है केंद्रीय सुरक्षा बलों में कांस्टेबल GD भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन जल्द। जी हाँ दोस्तों, जल्द ही आवेदन होगा केंद्रीय सुरक्षा बलों में कांस्टेबल GD भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन, ठीक है। यहाँ होगा 5 मई 2021 1:37 पर अपडेट आया है, AM देख रहे हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है विधौत, हम आपको बताएंगे। यहाँ पर लिखा है प्रयागराज कर्मचारी चयन आयोग SSC की ओर से केंद्रीय सुरक्षा बलों में कांस्टेबल GD परीक्षा 2020 के लिए 40,000 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया इसी महीने शुरू हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, इसी महीने में, जो कि 2020 के लिए, ठीक है, 2020 के लिए जो आने वाली थी वो इस महीने में शुरू हो सकती है। आप लोग जानते होंगे ना, यहाँ पे तो कहेंगे कि 2021 होना चाहिए, लेकिन नहीं दोस्तों, इनका कहने का मतलब है कि 2020 में जो भर्ती परीक्षा होने वाली थी वो अब होगा, भर्ती जो होगी वो इस महीने में शुरू होगी, यानी कि मई महीने में शुरू होगी। कोरोना संक्रमण के चलते भर्ती परीक्षा में देरी भी हो सकती है। SSC की ओर से सिपाही भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया मई के पहले सप्ताह में शुरू करने की घोषणा की गई थी। आप लोग तो समझ ही गए होंगे, दिल्ली में कोरोना संक्रमण के चलते SSC मुख्यालय में 50% कर्मचारियों की उपस्थिति का नियम लागू है। कर्मचारी के नहीं आने से भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी तैयारी पिछड़ रही है। आयोग के सूत्रों के माने तो कर्मचारी की कमी से अधिकांश भर्ती परीक्षाओं की तैयारी पर असर पड़ सकता है। संबंधित विभागों की ओर से पदों का विवरण नहीं भेजा गया है, जिससे पहले से तय तिथि 25 मार्च को कांस्टेबल GD भर्ती परीक्षा का विज्ञापन जारी नहीं हो सका था। आप लोग जानते हैं कि 25 मार्च को जो जारी होने वाला था वो नहीं हो सका था, तो अब मई के फर्स्ट वीक में होगा और 40,000 पोस्ट आपको दिखाई दिए। केंद्रीय सुरक्षा बलों के लिए लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर के कोटे का निर्धारण पूरी नहीं होने से मार्च में विज्ञापन जारी नहीं किया गया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि SSC की ओर से कांस्टेबल GD भर्ती परीक्षा 2020 के जरिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में CAPF, राष्ट्रीय जाँच एजेंसी NIS, सचिवालय सुरक्षा बल SSF, BSF, CISF, CRPF में कांस्टेबल GD असम राइफल में राइफलमैन की लगभग 40,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। SSC के क्षेत्रीय निदेशक राहुल सचान के अनुसार कांस्टेबल GD भर्ती के लिए आयोग के में तैयारी चल रही है, जल्द भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी होगा। जी हाँ दोस्तों, 40,000 भर्ती के लिए तैयारी चल रही है, जल्द ही जारी होगा SSC कांस्टेबल GD भर्ती परीक्षा 2020 के लिए अभ्यर्थियों को 10वीं पास। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए बड़ी बहुत बड़ी बात है, यहाँ पर स्पष्ट लिखा है 10वीं पास, और अभ्यर्थी की आयु जो है 18 से 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए, यानी कि एज लिमिट जो है 18 से 23 वर्ष की। अगर आप SC ST के लिए आयु सीमा में छूट दी जाएगी, ठीक है, अगर SC ST से हैं तो आपको आयु सीमा में छूट दी जाएगी। OBC को भी दी जाएगी, जिसे अदर बैकवर्ड क्लास कहते हैं। आयोग की ओर से पूर्व में घोषित कार्यक्रम के अनुसार कांस्टेबल GD परीक्षा अगस्त में प्रस्तावित होगी, जो कि आपका परीक्षा CBT 1 का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, वो अगस्त में प्रस्तावित होगी। अब सभी परीक्षाओं को स्थगित होने के चलते परीक्षा तिथि में बदलाव हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप जान सकते हैं कि कोरोना के चलते, इस महामारी के चलते बहुत सारे जगहों पर लॉकडाउन है, तो इसके चलते जो फर्स्ट वीक में है, तो फर्स्ट वीक में तो फॉर्म भरने की जो चांसेस है वो तो नहीं है, लेकिन नोटिफिकेशन आने का चांसेस है फर्स्ट वीक में, मई में, जैसे कि इसमें दिया गया है। और परीक्षा जो अगस्त में होने वाला था, वो हो सकता है कि इस कोरोना काल के चलते कोरोना से डिले हो गया, तो जो भर्ती में जो ऑनलाइन का डिले होगा तो वो परीक्षा में भी डिले होगा, तो हो सकता है थोड़ा डिले होगा, लेकिन आप लोग लगातार तैयारी में लगे रहना चाहिए दोस्तों। तो यही अपडेट था आज का, तो फिर मिलेंगे आगे वीडियो में। और अगर आप SSC GD से रिलेटेड पर्पल के अपडेट पाना चाहते हैं, दोबारा करें, पुनः करें दोस्तों कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।